हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप ऑफ का आई होप यू ऑल ऑफ डिंग वेल अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करते रहिए चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट टूडेज़ मेकअप ट्यूटोरियल इज़ एवरीडे मेकअप ट्यूटोरियल फॉर समर्स तो सबसे पहले मेकअप स्टार्ट करने से पहले हम अपने फेस पर लगाएंगे एस तो अगर आप लोग नहीं यूज़ करते तो मैं आपको बता दूँ समर्स हो या विंटर आपको एस हमेशा यूज़ करना है अपने फेस के लिए तो मैं अपने कोई भी मेकअप कर स्टार्ट करने से पहले अपने फेस पे लगाते हूँ एस पी एप तो इसको लगाने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा आप प्राइमर लगा सकते हो डेली बेसिस पर मैं प्राइमर को प्रेफर नहीं करती मैं अपने फेस पे लगाने वाली हूँ एलोवेरा जेल जो कि पतंजलि का है तो इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे अब हम अपनी फिंगर की हेल्प से जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इससे आपकी स्किन भी हेल्थी बनी रहेगी तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो कि मैं अप्लाई करने वाली हूँ वाइट टोन की क्रीम तो अगर आप लोग कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो बी बी सी सी जो भी आपको अच्छा लगता है अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग बिकॉज़ मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन है तो इसलिए मैं वाइट टोन की क्रीम यूज़ करती हूँ जो ये क्रीम जो है आपके फेस पे एकदम मैटिफाइंग लुक सा देता है तो इसको अप्लाई करने के बाद मैं अपने आईब्रोज़ को करने वाली फिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आईब्रोज़ के ये जो आपके फेस का एकदम से लुक चेंज कर देता है तो मैंने अपनी दोनों आईब्रो को अच्छे से फ़िल कर लेना है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से फिल करिए आप कोई भी पेंसिल और आईब्रो फिलर्स और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है अपने डेली बेसिस पे आपको अपनी आईब्रो को एकदम अच्छे तरीके से प्रॉपरली फिल करना है तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है मैं इस पर लेने वाले एक अच्छा सा ब्राउन कलर का टोन स्किन टोन कई आई जिससे मैं अपनी क्रीज़ को अच्छे से डिफ़ाइन करूँगी फ्लफी से ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी इसको ब्लेंडिंग करनी है आप लोगों ने तो हमारी ब्लेंडिंग डन होने के बाद मैं आ गई अपने लिप्स पर तो मैंने अपनी लिप्स की आउटलाइन करनी स्टार्ट कर दी है जो कि आप लोग देख सकते हैं लिप्स की आउटलाइनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है जिससे आप कोई भी कलर की लिपस्टिक लगा हैं तो वो बहुत अच्छे से आपके लिप्स की शेप डिफाइन होती है तो बहुत अच्छी लगती है तो मैं अपने लिप्स पर मैक की बुलेट लिपस्टिक लगा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा ब्लशर तो मैं पी शेड का ब्लशर लगा रही हूँ तो मैंने अपने चिक्स पे ब्लशर को लगाया मैंने थोड़ा सा ब्लशर अपनी नोज़ पे लगा भी लगाया है जिससे आपके फेस पे आएगा क्यूट सा इफेक्ट इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ हमारे फेस पे लूज़ पाउडर तो मेरे पास आज लूज़ पाउडर नहीं था तो मैंने अपने कॉम्पैक्ट को लिया उस पर एक्सपोली की हेल्प से उसको ब्लेंड करने के बाद जो भी पाउडर है वो लूज सा हो जाता है तो उसको मैंने अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर दिया अगर आपके पास सम टाइम्स अगर लूज़ पाउडर नहीं होता तो आप इस तरीके के हैक को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं तो इस तरीके से अपने फेस पे लूज़ पाउडर लगाने के बाद आपका जो मेकअप है डन हो चुका है तो इस मेकअप में मैं थोड़ा सा हाइलाइटर भी अप्लाई करने वाली हूँ अपने फेस पर अगर आप लोग हाइलाइटर नहीं भी लगाओगे चलेगा बिकॉज़ समर्स डे पर जो आपकी स्किन है ऑलरेडी शाइन करती है तो मैं आपको ट्यूटोरियल दे रही थी इसलिए मैंने अपने फेस पर जो मार्स का हाईलाइटर लगाया है तो इसके बाद मेरा हेयर स्टाइल बहुत सिंपल सा है तो मैंने अपनी सेंटर पार्टीशन कर लिया मैं इसको अच्छे से खबर बैंड की हेल्प से अपनी पोनी को सिक्योर कर लूँगी उसके बाद मैंने एलोवेरा चेल लिया है जो कि हमारे जितने भी बेबी हेयर्स हैं मैं उनके ऊपर इसको अप्लाई करी जिससे हमारा जो हेयर स्टाइल है और मेकअप लुक बहुत अच्छा सक...